हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और फ्रेंड्स देखिए, हमारे यहाँ आज भी बारिश हो रही है और ये जो बारिश है ना, दो तीन दिनों से लगातार हो रही है। इस बारिश की वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बारिश तो प्राकृतिक चीज़ें हैं, अपनी मर्ज़ी से होती है और अपनी मर्ज़ी से जाती है, तो इससे हमारा कोई बस नहीं है। और मैं आपको कितना दिखाऊँ बारिश बारिश, आप लोग भी परेशान हो जाइएगा। तभी मैं चलती हूँ अंदर और अंदर चलकर आप सभी से मिलती हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स, अभी मैं अंदर आ गई हूँ और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप सभी ने देखा। और लगातार दो तीन दिनों से हमारे यहाँ इस तरह से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से बहुत परेशानी हो रही है, कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं और हर तरफ पानी पानी हो रखा है, किच 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 किच, तो कहीं आने जाने का भी मन नहीं करता है बारिश में। और बच्चों की परेशानी हो रही है, बच्चे खेलने नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे शाम को जाते थे खेलने के लिए थोड़ी देर के लिए, तो अभी तो घर पे ही खेल रहे हैं। घर पे ही रह के थोड़ी देर टीवी देखते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं। तो अभी देखिए ऐसा खेल रही है इधर, वो क्या बना रही हो, देखिए फोन बना रही, जरा जाओ डॉल को सुला दी क्या, कहाँ है लेकर उसको, यहाँ पे सो रही है, ये इसका बिस्तर है, इधर लेके आओ उसको तुम पहले। तो ये देखिए ऐसा कहा डॉल, और वहां पे उसको सुला दी थी टेबल पे, उसका बिस्तर बना के, और देखिए क्या हाल कर दी ये देखिए। रुको दिखाने दो, ये देखिए क्या ये देखिए क्या हाल कर दिए डॉल को, और कितना अच्छा मैं लेके आई थी उस दिन, कितना अच्छी थी ये, अभी कैसा कर दिए देखिए। रुको, कितनी सुंदर उस दिन लग रही थी, आपने भी देखा था रक्षाबंधन के दिन, आयुष ने इसको गिफ्ट दिया था, और देखिए इसका इसका क्या हाल कर दी है। अरे रुक जाओ दिखाने दो, और जानते हैं इसका, देखिए इसका जो कपड़ा था उसको भी फाड़ दी आयसा, ये देखिए वो ब्लू कलर का पहन रखी थी, नेट का था वो फ्रॉक इसका, तो वो फट गया, तो फिर मैंने इसको ये बना के दिया, हाथ से ही बनाया, मशीन पे नहीं बनाया मैंने, बस जल्दीबाजी मैंने बना के दे दिया था, फिर टाइम नहीं मिल पाता है, तो फिर जल्दीबाजी मैंने हाथ से ही बना के दे दिया था। रुको दिखाने दो, वो तो मसीहा बन रही है, रुको देखिए इसको भी खराब की है, ये देखिए रुको ना दिखा ये, रुको ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इसका बाजू की तरफ से इस तरह ये निकाल दिए सब कपड़ा पूरा, इधर से भी निकाल दिए और पूरा खराब कर दिए। इसके दूसरे कपड़े बना के नहीं लेती, अच्छा बना दूंगी, लेकिन इसको रखेगी ठीक से तब ना, देखिए ठीक से नहीं रखती है, कहाँ ले जा रही है उसको, ये बोल दिए फिर से न्यू कपड़ा लेकर आओ और उसका बनाओ, तो अब लाऊंगी, अभी नहीं लाऊंगी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी से काम चलाओ। अच्छा ठीक है चलेंगे कल, अभी तो बारिश हो रही है, तो बारिश में किसे जाएंगे, बारिश में जाएंगे पैर पर फिसल जाएगा, तो टंगरी भी फिसल जाएगी, नहीं कौन खाना बनाकर खिलाएगा। अच्छा ठीक है आजा बना देती हूँ, आजा बाद में बना देंगे, आजा ले बुल्लो 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 बुल्लो, ऐसा खेलने नहीं जा पा रही, इसको अच्छा नहीं लग रहा है ना, अपने शहर साथ खेल नहीं पा रही है, तो डॉल के साथ खेल के काम चला रही है। तुम उसके दूसरे कपड़े बांधने बनाती नहीं हो, भूल जाती हो। बना दूंगी, क्यों परेशान हो रही हो, पर भूल जाती हो। और आयुष भी आ रहा है, आ जाओ आयुष, इधर रुका हुआ था बेचारा, बैठो हाय बोल दो दोनों, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, देखिए ऐसा हेलो बोल रहे हैं, बैठ जाओ ठीक से, बैठो गिर जाओगी, इधर बैठो ना गिर जाओगी, आप कहाँ जा रही हो, छोड़ दो उसको, आ जाओ, उसे चोट लग जाएगी, तुम मेरे साथ पहले खेलो, क्या खेलूं, ताली वाला गेम, ताली वाला गेम, आ जाओ तब, फिर आता तुमको गाने ना, तो इसको ताली वाला गेम खेलना है, चलो इधर ठीक से बैठ जाओ, गिर जाओगी नहीं तो ताली के चक्कर में, बैठो आराम से, चलो खेलो, बैठो इधर बैठ जाओ, तो ये ताली वाला गेम खेलेगी, तो देखिए कैसे खेलती है, चलो खेलो, गाना गा के तो मैं अपना पसंद का गाऊंगी, कुछ तुम्हारा पसंद का नहीं चलेगा, ये क्या बोलती है, क्या कुछ बोल के खेलती है, लेकिन अभी मैं अपना पसंद का गाती हूँ, है ना, सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम सही विधि रहिए, मुख में राम राम सीताराम कहिए, जय विधि रखे राम सही विधि रहिए, खत्म हो गया खेला, मुझे बस इतना ही गाने आता है, और इसको ना बहुत पसंद है, भजन गाना और गाना सुनना, गाना गाना इसको बहुत पसंद है, और मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैं गाते रहती हूँ, तो इसको भी थोड़ा बहुत सिखा देती हूँ, है ना, तो
बस सरसों की जो कलियां होती है बस मुझे वही आती है, उससे ज्यादा नहीं आती है, मतलब याद ही नहीं होती है मुझे। और फ्रेंड्स मैं आपको ना एक चीज दिखाना चाहती हूँ, और तो उससे पहले मैं आपसे इसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सभी ने आयशा के बर्थडे पर इसको बहुत सारा आशीर्वाद दिया, तो उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और आयशा के लिए बहुत सारा केक भी आया था कमेंट में, टॉफी भी आया था और चॉकलेट भी आया था, तो टॉफी सोसी बोलते हैं ना, और भी बहुत सारी चीजें आई थी, तो बहुत खुश थी आयशा, है ना। ऐसा मेरे फ्रॉक भी आई थी, और फ्रॉक भी आई थी बहुत सारे बार बार के आए थे ना, तो थैंक यू बोला तुमने, तो ठीक से बोलो सभी को, हाँ सभी लोग को थैंक यू, है ना। और मैं दिखाती हूँ मैं सबको क्या दिखाना चाहती हूँ, वो मैं दिखाती हूँ लाकर, आप सभी वीडियो बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स ये दो चूड़ी सेट है मेरे पास, मैं आपको इसकी डिजाइन दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह की डिजाइन है, देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है ना, मुझे भी बहुत पसंद है ये चूड़ी। ये देखिए कुछ इस तरह की दिखती है इसकी डिजाइन, और पास से मैं दिखा दे रही हूँ, लेकिन पास से साइन ज़्यादा कर रहा तो फिर उतना अच्छा से डिजाइन दिख नहीं रहा, दूर से दिखाती हूँ। और ये सीटी गोल्ड का है, और देखिए चार का सेट है, और दूसरा भी मैं आपसे को दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये दूसरा वाला चूड़ी है, ये देखिए इसकी डिजाइन तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है जो मैंने पहले दिखाया, ये देखिए। और ये छः का सेट है, ये भी सीटी गोल्ड का ही है, ये देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा है, और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये ना बहुत दिन से मेरे पास है, लेकिन आज तक मैं इसको पहन नहीं पाई हूँ, क्योंकि ना इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, तो मेरे हाथ में आता नहीं है, मतलब निकलने लगता है, इस कारण से मैं पहन नहीं पाई हूँ अभी तक। और इसको मैं नहीं लाई हूँ, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे हरिद्वार से, अगर यहाँ से लाते तो फिर मैं चेंज भी कर लेती, लेकिन हरिद्वार से लेकर आए थे, वो हर साल जाते थे हरिद्वार सावन में जल उठाने के लिए, तो वहीं से लेकर आते थे सभी के लिए कुछ ना कुछ, तो मेरे लिए भी चूड़ी वगैरह लेकर आते थे, तो वही ला लग दिए हैं। और देखिए बहुत अच्छा है, बढ़िया है, ये देखिए मजबूत बिल्कुल, ये देखिए हम अपने भाषा में बढ़िया ही बोलते हैं, मजबूत भी बोलते हैं, बढ़िया भी बोलते हैं, तो अपना भाषा निकल ही जाता है, और अपना भाषा बोलना भी नहीं चाहिए, मुझे अच्छा लगता है अपना भाषा बोलना। तो ये देखिए कितना मजबूत है, थोड़ा सा भी नहीं होता है, हैवी है ये, लेकिन क्या करूँ इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे किसी काम का नहीं है, इसी पड़ा हुआ है बहुत सालों से मेरे पास, और हर साल वो लेकर आते थे। एक और था मेरे पास, तो उसको तो मैं अपनी मम्मी को दे दी हूँ, लेकिन उसके हाथ में भी नहीं आता है, वो भी लेकर रख दी है। और मेरे घर में किसी के हाथ में ये नहीं आएगा, ना मेरे ससुराल वालों के हाथ में आएगा, और ना ही मेरे मायके वालों के हाथ में आएगा, किसी के हाथ में, सभी के हाथ पतले पतले हैं, और मेरा थोड़ा सा हैवी है, तो मेरे हाथ में भी नहीं आता। ये देखिए अब मैं आपको पहन कर भी दिखाती हूँ आप सभी को। फ्रेंड्स ये मैंने पहन लिया है, पहनने के बाद देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, और बड़ा हो रहा है, इस कारण से मैं पहनती नहीं हूँ, देखिए लटक जा रहा है, क्या करूँ मजबूरी, बस इसको अंदर रखना पड़ता है, पहन भी नहीं पाती हूँ। और मैं दूसरा भी पहन कर दिखाती हूँ आप सभी को। और ये देखिए मैंने दूसरा भी पहन लिया, दूसरा तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन क्या करूँ इतना ढीला हो रहा है, तो कैसे पहनूँ, ये देखिए नीचे लटक जा रहा है, फिर निकल जाएगा फट से, तो बस ऐसे ही रखना पड़ेगा मजबूरी, बस क्या कर सकते हैं। और मैं सोच रही हूँ ना मैं इसको कटवा दूँ, ज्वेलरी जो बेचते हैं उनके पास जाके, तो हो सकता है मेरे हाथ में पहनने लायक हो जाए। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा अगर आपके पास भी कोई उपाय होगा, तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है, और देखती हूँ अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर रखे रहेंगे और क्या। और मेरे घर में किसी को होता तो फिर मैं उनको दे भी देती, लेकिन किसी को नहीं होगा, सभी के हाथ पतले पतले हैं, बस मेरे हाथ ही मोटे हैं, फिर भी मेरे हाथ में नहीं आ रहा, ये देखिए ढीला ही हो रहा है, क्योंकि ये 2.5 इंच का है, 2.25 का होता तो फिर मेरे हाथ में आ जाता। फ्रेंड्स आप सबको मेरी चूड़ियाँ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज की वीडियो में यही समाप्त करती हूँ, आप मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन के ऑल को दबा ले, ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।